Hello everyone, today we are going to discuss next colligative property, osmotic pressure represented by pi. Pi se indicate karte hain isko. Before discussion of osmotic pressure, today we want to discuss osmosis. First of all, what do you mean by osmosis? Osmosis kya hai? इसको समझने के लिए पहले छोटा सा एक्सपेरिमेंट डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं. सपोज दिस इज एनी वेसल एंड इन दिस वेसल वी अप्लाई दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, SPM, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दिस इज पोरस इन नेचर. क्या होती है बेटा ये? दिस इज पोरस इन नेचर. पोरस होती है मीन पोर्स आर देयर, छोटे छोटे पोर्स, फाइन पोर्स होते हैं. एंड थ्रू दिस पोर्स ओनली सोलवेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास, नॉट सोलवेंट. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको माइंड में रखना है. Through these pores, mean pore size is so small, बहुत ही छोटा साइज होता है पोर्स का. पोर साइज इज सो स्मॉल दैट ओनली सोलवेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू दिस, कैन पास, नॉट सोल्यूट मॉलिक्यूल्स. क्योंकि सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का साइज लार्ज होता है, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का साइज लार्ज होता है, लार्ज साइज होता है इनका. लार्ज साइज की वजह से ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो सकते, रुक जाएगा वहां से. बट जो सोल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, सोल्वेंट मॉलिक्यूल्स का साइज जो होता है दैट इज वेरी स्मॉल. सोल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो साइज है दैट इज स्मॉल. ड्यू टू स्मॉल साइज दीज सोलेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू दीज पोर्स. ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. जनरली भाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है टू टाइप्स की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बता देता हूं. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है दिस इज जनरली डिवाइडेड इन टू टाइप्स. नेचुरल भी होती है भाई, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेकंड होती है आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल इन लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं. नेचुरल जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट इज एनिमल और प्लांट मेम्ब्रेन जो होती है, दीज आर नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो नेचुरल मेम्ब्रेन यूज की जाती है दैट इज पिग्स ब्लैडर. Pig's bladder is mostly used natural semi-permeable membrane. और जो artificial semi-permeable membrane होती हैं, examples of these artificial semi-permeable membrane are cellophane paper हो सकता है, cellophane, or we can say parchment paper, generally lab में prepare की जाती है इनसे, okay? तो कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यू हैव टू कीप वन पॉइंट इन योर माइंड दैट दिस इज पोरस इन नेचर एंड पोर साइज इज सो स्मॉल दैट ओनली सोलवेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू दिस पोर्स, नॉट सोल्यूट. क्यों? क्योंकि सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का साइज लार्ज होता है, बड़ा साइज होता है, वो इसमें से नहीं पास हो सकते. सोलवेंट मॉलिक्यूल्स ही पास हो सकते हैं जिनका साइज स्मॉल होता है. सोलवेंट मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे क्योंकि उनका साइज लार्ज होता है. अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमने वेसल ले लिया. इन दिस वेसल, इन दिस टू पार्ट्स, वन साइड वी कैन टेक प्योर सॉल्वेंट और वी कैन टेक लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्वेंट. लेफ्ट साइड में सपोज हमने प्योर सॉल्वेंट ले लिया, प्योर सॉल्वेंट, और वी कैन टेक लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, less
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये हम ले सकते हैं यहाँ पर। एंड राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड यहाँ पर सपोज हमने लिया है बेटा, दिस इज यू कैन टेक सॉल्यूशन। अगर हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं तो इसके कंपैरिजन में सॉल्यूशन ले लेंगे हम, मोर कंसंट्रेटेड है। और अगर हमने एक साइड लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है तो दूसरी साइड हम मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले सकते हैं, वी कैन टेक मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, वी कैन टेक मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है यहां पर ऐसा होगा, जिसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। ओके नाउ अब सिंपल सा पॉइंट, छोटा सा पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सपोज हम दो वाटर टैंक ले लेते हैं और दोनों वाटर टैंक को बॉटम से एक पाइप के थ्रू जोड़ देते हैं, लिंक कर दिया उनको, और एक वाल्व लगा दी बीच में। उस वाल्व को हमने बंद कर दिया, वाल्व को बंद करेंगे एंड देन फिल वन वाटर टैंक। एक वाटर टैंक को हमने फिल कर दिया वाटर से पूरी तरह, अब दूसरा वाटर टैंक बिल्कुल एम्प्टी है, उसमें कोई पानी नहीं है थोड़ा सा भी। अब अगर हम वाल्व को खोल दें, जो वाल्व था बीच में जिस पाइप के थ्रू हमने लिंक किया था दोनों वाटर टैंक को, ये जो वाटर टैंक है इस पाइप के थ्रू यहाँ पर वॉल लगा है, जो वाल्व लगा है, इस वाल्व को हम खोल दें, देन व्हाट हैपन, वो वाटर स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वाटर टैंक विच इज फिल्ड विद वाटर टू वाटर टैंक विच इज एम्प्टी। जो भरा है उसमें से मुंह करना स्टार्ट करेगा खाली वाले में, कब तक मुंह करता जाएगा? लेवल दोनों का सेम है, सेम हाइट पर रखे हुए दोनों, तो कब तक मुंह करेगा एक वाटर टैंक से दूसरे वाटर टैंक में पानी? जब तक दोनों में लेवल इक्वल ना आ जाए। वही चीज यहाँ पर है, वही पॉइंट यहाँ पर अप्लाई करना, बिल्कुल डे लाइफ का एग्जांपल, कि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स तब तक मूव करेंगे जब तक दोनों साइड कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, तब तक चल सकते हैं। अब डिफाइन करना है हमें कि मूवमेंट, अब देखो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ज्यादा है, प्योर सॉल्वेंट में कम है, सिंपल मीन यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ही ट्रांसफर होगा यहाँ से, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो मूवमेंट ऑफ और नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल चलना स्टार्ट हुए थ्रू दीज पोर्स, नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, डायग्राम से समझोगे तो द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, पहले बोल देते हैं फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, और वी कैन से फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, from less concentrated solution to more concentrated solution, through semi-permeable membrane is called osmosis। तो बेटा इसको osmosis बोलते हैं, simple। आप या तो pure solvent से solution लिख दो from pure solvent to solution, या फिर आप use कर सकते हैं from less concentrated solution to more concentrated solution। ये main point है। इसका net spontaneous flow होगा solvent molecules का, कहाँ से होगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, सिंपल डेफिनेशन। अब पॉइंट क्या है कि भाई टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस जनरली, फर्स्ट इज एंडोस्मोसिस, सेकंड इज एक्सोस्मोसिस। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस वी कैन डिस्कस हियर नाउ, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस
लाइक एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेसेस वही है. एक्सो का मीनिंग आउटसाइड, एंडो मीन इनसाइड, थर्मो इज रिलेटेड टू हीट, हीट आउटसाइड. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस थी, हीट रिलीज होती थी. एंडोथर्मिक में हीट इनसाइड मीन हीट एब्जॉर्ब हुई है. एंडो और एक्सो का मीनिंग हम वही यूज करेंगे यहाँ पर. एंडो मीन इनसाइड, एक्सो मीन आउटसाइड. क्या होगा देखो कैसे डिफाइन करना है. यहाँ पर हीट की बजाय वहां पर हमने थर्मोडायनेमिक्स में हीट यूज किया था, यहाँ पर हम ऑस्मोसिस यूज कर रहे हैं. और ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट चल रहा है, किसका फ्लो चल रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का. मीन इनसाइड या आउटसाइड जो भी जा रहे हैं यहाँ पर वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यूज करने हैं आपको. बिल्कुल सिंपल है. ओके तो टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस होंगे. फर्स्ट इज यू कैन से एक्सोस्मोसिस और सेकेंड we can write here that is endo osmosis. We can discuss this. So these two types of osmosis are there, exosmosis and endosmosis. Exo का meaning outside. Outside क्या? Movement of, flow of solid molecules होगा outside through cell membrane. Cell membrane के through molecules बाहर आ जाएंगे. Mean movement of or flow of solvent molecules. If flow of solvent molecules takes place outside through cell membrane or cell membrane. जो सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू अगर मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बाहर हो देन दिस इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस. एक्सोस्मोसिस देन इट इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस. बट एक्सो का मीनिंग आउटसाइड है तो एंडो का मीनिंग क्या होगा, इनसाइड. एंडो मीन इनसाइड. तो इनसाइड क्या होगा, अगेन मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होगा. इफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इनसाइड थ्रू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू देन दिस इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस. सिंपल. इफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस inside through cell membrane, we saw here, then it is called endosmosis. इसको हम endosmosis बोल सकते हैं. अब दोनों का एग्जाम्पल देख लो. सपोज हम ग्रेप्स ले लेते हैं, ग्रेप्स एंड किशमिश भी ले सकते हैं. किशमिश सभी यूज करते हैं, सभी वेल नॉन इनसे. इजी एग्जाम्पल ले रहा हूँ बिल्कुल डेली लाइफ का. ग्रेप्स को अगर हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ विथ एक दिस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, दिस इज कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ एनएसीएल. कंसंट्रेटेड एनएसीएल सोल्यूशन ले लिया आपने, इसके अंदर अगर आप ग्रेप्स को डाल दो, ये ग्रेप्स को डाल दिया, सपोज एक ग्रेप डाल दिया यहाँ पर, दिस वॉट हैपन. अगर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ एनएसीएल में हम ग्रेप्स को डाल देते हैं तो इट गेट श्रिंक्स. मीन जो ग्रेप्स होंगे दे गेट श्रिंक. श्रिंक क्यों हो गए, सिकुड़ क्यों जाते हैं. जो ग्रेप्स होंगे दे गेट श्रिंक. श्रिंक क्यों हो जाएंगे, व्हाई दे गेट श्रिंक भाई, क्योंकि जो सॉल्यूशन हमने लिया है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मैंने वर्ड यूज किया है कि दिस आउटसाइड थ्रू दिस आउटसाइड द ग्रेप दिस सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड देन द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड दिस ग्रेप. जूस होता है जो ग्रेप का उसके अंदर वो डायलूट है, मीन ये कंसंट्रेटेड, मीन ये सॉल्यूशन का काम करेगा मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जो अंदर जो इसके लिक्विड है दैट इज लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. तो क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कम आउट थ्रू दिस सेल मेम्ब्रेन. इस सेल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे. तो क्या हो जाएगा फिर, व्हाट हैपेंस, दिस ग्रेप गेट श्रिंक्स, ये सिकुड़ जाएगा ऐसे, ये श्रिंक हो जाएगा. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बाहर चले गए हैं तो एक्सोस्मोसिस का. बट ग्रेप्स लो या किशमिश लो, है ना, किशमिश लो, हम
प्योर वाटर ले लेते हैं भाई, नाउ दिस इज प्योर वाटर, और इस प्योर वाटर में आप किशमिश डाल दो, ये किशमिश डाल दिया आपने, दिस व्हाट हैपन, या फिर शाम को हम चने भिगो देते हैं है ना, आलमंड्स को भिगो देते हैं, ठीक है, तो सुबह तक देखते हैं उनकी साइज बड़ा हो जाता है, उनका फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, व्हाई दे गेट स्वेल, बिकॉज दिस टाइम दिस इज प्योर सॉल्वेंट एंड हेयर इन साइड टू दिस, तो किशमिश हमने ली है, ये किशमिश ले ली हमने सपोज दिस किशमिश, यहां पर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है अंदर की साइड, व्हाट हैपेंस थ्रू दिस सेल वॉल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंटर इन साइड, अंदर जाएंगे, साइज बड़ा हो जाएगा, दे गेट स्वेल, किशमिश गेट स्वेल, ये फूल जाएगी दिस, तो व्हाई दे गेट स्वेल, किशमिश गेट स्वेल ड्यू टू बिकॉज द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गेट इन साइड, अंदर की तरफ चले गए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड सो इट बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ, अंदर की तरफ हुए हैं, इन साइड हुए, मीन एंडोस्मोसिस का एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्मोसिस एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एग्जोस्मोसिस, ये एग्जोस्मोसिस का एग्जाम्पल हो गया ऑस्मोसिस का, एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एंडो ऑस्मोसिस, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एंडो ऑस्मोसिस, सो दिस इज ऑस्मोसिस एंड टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस. नाउ वी आर कमिंग टू मेन टॉपिक, मेन टॉपिक पर आ रहे हैं बेटा अब हम, ऑस्मोटिक प्रेशर. अभी ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिस्कस करें, व्हाट डू मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर, इसे देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या. अभी थोड़ी देर पहले हमने डायग्राम बनाया था कि एक साइड हमने प्योर सॉल्वेंट लिया था और सेकंड साइड हमने लिया था प्योर सॉल्यूशन. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हुआ था फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हमने इसको ऑस्मोसिस बोला था. अब अगर हमें ये फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्टॉप करना हो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इट स्टॉप्स कंप्लीटली. ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हियर वी कैन टेक सॉल्वेंट, हियर वी कैन टेक सॉल्यूशन, this is solution, this is solution, this is solution. अगर हम अब if we apply a piston here, अगर यहाँ पर हम एक piston apply कर देते हैं, suppose this, this is piston. टू सोल्यूशन साइड, इस पिस्टन की हेल्प से अगर हम प्रेशर अप्लाई करें, इफ वी अप्लाई सम प्रेशर ओवर दिस सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ दिस पिस्टन, देन व्हाट हैपेंस, जो ये मूवमेंट था सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, भाई देखो ये तो वॉल्स रिजिड है वेसल की, सिंपल, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी, ये नहीं कि ये ब्रेक हो जाएगी प्रेशर लगने से, नो पोर्स है, पोर्स में से मूवमेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का होगा, इधर होगा या उधर होगा जो भी है, बट इफ वी अप्लाई प्रेशर विद द हेल्प ऑफ दिस पिस्टन देन व्हाट हैपेंस, दिस प्रेशर अल्टीमेटली अप्लाइज ओवर द पोर्स ऑफ दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यहां हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो सोल्यूशन के अंदर है दे अप्लाई सम प्रेशर over these pores present in the semi-permeable membrane. इस साइड से लगेगा, रिवर्स डायरेक्शन में लगेगा प्रेशर, मीन जितना ज्यादा प्रेशर, मीन अगर हम पिस्टन का प्रेशर इंक्रीज करते जाएं, पिस्टन के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते जाएं, then what happens? Pressure inside this vessel in the solution increases and with due to increasing pressure here, what happens? The flow of solvent molecules slow down. Mean फ्लो जो मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगी, फ्लो इनका डिक्रीज हो जाएगा धीरे धीरे, एंड अल्टीमेटली ए लिमिट विल रीच, एक कोई ना कोई तो लिमिट पहुंचेगी, हम प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे, इनका मूवमेंट स्लो होता जाएगा, और इंक्रीज किया और स्लो हो गया, फिर और ज्यादा इंक्रीज किया तो एक लिमिट पहुंचेगी जहां फ्लो है जो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम सोलवेंट टू सोल्यूशन स्टॉप्स कंप्लीटली. सो दिस प्रेशर वे हैव
flow of solvent molecules stops completely from solvent to solution through semi-permeable membrane is called osmotic pressure. उस प्रेशर को हम osmotic pressure बोलेंगे. तो pressure applied, simple definition दे सकते हैं इसकी, osmotic pressure. Osmotic pressure represented by pi. Pi से indicate करते हैं. कैसे define करेंगे? The pressure applied और the minimum pressure, क्योंकि maximum तो कितना ही apply कर दो, minimum pressure हमें देखना कि जहां रुक जाए वही osmotic pressure होगा. The minimum pressure applied, the minimum pressure applied on the solution so that flow of solvent molecules stops completely through कहां से? From solvent to solution. कहां मुकर रहे थे? From solvent to solution through semi permeable membrane. It's called osmotic pressure. इसको बेटा हम osmotic pressure बोलेंगे. In minimum excess pressure जो हमें apply करना है on the solution, so that flow of solvent molecule stops completely from solvent to solution through semi-permeable membrane is called osmotic pressure. इस pressure को हम बोलेंगे osmotic pressure, जिसको pi से indicate करते हैं. अब इसके लिए mathematical derivation कैसे करें? Mathematical derivation for this osmotic pressure. अब भाई जो pressure कितना हमें apply करना पड़ेगा ये दो condition पर depend करता है इसको stop करने के लिए पूरी तरह. एक तो concentration of solution और दूसरा temperature of experiment. Okay. अब एक और पॉइंट साइड बाय साइड हम डिस्कस कर रहे हैं. उस पॉइंट पर जाने से पहले एक और पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा बेटा यहां से. मीन हमने प्रेशर अप्लाई किया, फ्लो स्टॉप हो गया कंप्लीटली. अगर हम और भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें देन व्हाट हैपेंस? मीन इफ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा जिस पर स्टॉप हो गया था मोमेंट कंप्लीटली इनका. इफ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड प्रेशर इज मोर देन osmotic pressure, then what happens? क्या हो जाएगा? At that time, these solvent molecules start moving from solution to pure solvent. Reverse direction में चलना start कर देंगे, and this is called reverse osmosis. इसको reverse osmosis बोलते हैं. तो side by side हम यहाँ पर इसी diagram से ये भी discuss कर लेते हैं. What do we mean by reverse osmosis? Reverse osmosis में क्या होगा? If flow of solvent molecule, if external pressure applied is more. Reverse osmosis. जो RO भी यूज होती है, nothing but RO. Reverse osmosis, जो हम घर में यूज करते हैं RO, reverse osmosis. इसी के प्रिंसिपल पर बेस होता है ये. Reverse osmosis क्या होगा? What do you mean by reverse osmosis? If external pressure जो हमने apply किया है. Applied on the solution, जो solution पर apply किया है, is more than osmotic pressure. अगर ये osmotic pressure से ज्यादा हो जाए, then क्या होगा? Solvent molecules start moving from solution to solvent, reverse over direction, इसलिए reverse osmosis बोला जाता है इसको, through
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, इसी को हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। यूज होता है प्रिंसिपल कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर मोर हो जाएगा देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन सोलवेंट मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, है ना। आरओ में क्या यूज होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है जो ग्राउंड वाटर लेके आते हैं, आरओ में एंटर किया, फिल्टर में से निकल के आएगा, फिल्टर क्या कर लेता है, एक्सेस सॉल्यूशन उनको रोक लेता है वहीं पर, एंड व्हाट हैपेंस मीन वाटर बिकम्स लेस कंसंट्रेटेड, मिनरल्स लेस अमाउंट में जाए, एक्सेस मिनरल जो रुक जाएंगे, नॉर्मल अमाउंट मिनरल रह जाएंगे इसके अंदर जो हमें रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए, एंड देन वी कैन यूज दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस इजीली। ओके, सिमिलरली तो फिर क्या एप्लीकेशन हो सकती है, इसका मतलब एक्सेस सोर्स को निकाल सकते हैं यहाँ से, तो व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस नाउ, तो एक एप्लीकेशन भी आती है इसकी, दिस रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, समुद्र का जो पानी होता है खारा पानी होता है, एक्सेस सॉल्ट होते हैं इसके अंदर, तो इसमें क्या कर सकते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करके हम उसमें से जो एक्सेस सॉल्ट है उनको निकाल सकते हैं, एंड दैट वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, मीन दैट इज एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस के एप्लीकेशन कहाँ यूज होगा भाई, इट इज यूज्ड इन डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, दिस इज डीसैलिनेशन मीन रिमूवल ऑफ एक्सेस सॉल्ट, डीसैलिनेशन का मीनिंग है रिमूवल ऑफ एक्सेस सॉल्ट्स, जब एक्सेस सॉल्ट्स हैं सी वाटर के अंदर ये रिमूव हो जाते हैं इसमें से, एंड वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, एंड दैट सी वाटर कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस कब, आफ्टर डीसैलिनेशन, ऐसे नहीं, आफ्टर डीसैलिनेशन, डीसैलिनेशन के बाद हम सी वाटर को भी ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, इसराइल में होता है ना यही पॉइंट, तो इसराइल इसी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है लार्ज स्केल पर, तो टेक्निक है उनके पास, तो वहां पीने का पानी नहीं है ऐसे नॉर्मल जो हमारे कंट्री में है, तो समुद्र का जो पानी होता है उसे ही फिल्टर करके यूज किया जाता है ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, तो लार्ज स्केल पर कमर्शियल स्केल पर आरओ लगाए गए हैं, तो दिस इज यूज्ड, रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड फॉर डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, एंड दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, मीन एप्लीकेशन हो गई इसकी रिवर्स ऑस्मोसिस की। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर कि डेरिवेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ दिस ऑस्मोटिक प्रेशर, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, तो फॉर्मूला बनाएंगे जो यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशन। अब इसका डेरिवेशन ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि सपोज सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, हमें कितना प्रेशर अप्लाई करना है ताकि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो है फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन ये स्टॉप हो जाए, सिर्फ रोकना है हमें इसको, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं चाहिए हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पर, सिर्फ रोकना है इसको यहां पर, तो कैसे रोक सकते हैं इसको, तो भाई एक सिंपल सा पॉइंट है, कंसंट्रेशन में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट में, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उतनी ज्यादा होगी, जैसे वाटर टैंक का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था, है ना, लेवल ऑफ वाटर में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी स्पीड ज्यादा होगी, कम होता जाएगा तो स्पीड भी कम होती जाएगी, सिंपल सा पॉइंट है, कभी आप घर पे करके देख लेना एक्सपेरिमेंट, सेम मीन जितना ज्यादा डिफरेंस होगा कंसंट्रेशन में मूवमेंट उतना ही ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगी,
उसको रोकने के लिए फिर प्रेशर भी ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा. ऑस्मोटिक प्रेशर जो रिक्वायर्ड होगा दैट इज ऑल्सो मोर इफ कंसेंट्रेशन इज मोर. सेकेंड टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट. भाई एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर तो अफेक्ट करेगा ही करेगा स्पीड को. यू नो वेरी वेल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर भाई एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर मोर होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स मोर होगी. मीन मॉलिक्यूल्स मूव विद हाई स्पीड, उनको रोकने के लिए ज्यादा प्रेशर चाहिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा. इसका मीनिंग क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड ऑल्सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट. इन दोनों को कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकेंड को, ऑन कंपेयरिंग और ऑन कंबाइनिंग. ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी गेट. व्हाट वी गेट क्या मिलेगा हमें. पाई इज प्रोपोर्शनल टू भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों सी इंटू टी, ये बन जाए. रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वी कैन अप्लाई कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड दैट कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज आर. अगर साइन को रिमूव करेंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन को, दैट कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज आर. तो आर इंटू सी इंटू टी, आर सी टी, दिस दिस आर इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड वही कॉल्ड सॉल्यूशन कॉन्स्टेंट. इसको सॉल्यूशन कॉन्स्टेंट बोलेंगे. वैल्यूज आर इक्वल टू बेस्ट कॉन्स्टेंट, वही पी आर की वैल्यू क्या थी भाई 0.0821 लीटर एटमोस्फियर पर केल्विन पर मोल. बट यहां पर ध्यान रखना है कि अगर प्रेशर एटमोस्फियर में है तो ये वैल्यू यूज करेंगे. अगर प्रेशर बार में हो तो 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल. न्यूमेरिकल में अगर प्रेशर बार में दे रखा है तो आपको ये वैल्यू यूज करनी है. अगर प्रेशर यहाँ कई बार पास्कल में मिल जाता है तो इन दैट केस वी कैन यूज दिस वैल्यू 8.314 किलो पास्कल्स लीटर पर केल्विन पर मोल. प्रेशर के जगह आगे बाद एटमोस्फेयर की जगह किलो पास्कल आ गए, ये लीटर ये पर केल्विन ये पर मोल. सिंपल और वी कैन राइट दिस इसी को ही. मान लिया पास्कल में है किलो पास्कल में है तो 8.314 किलो पर मीन 10^3 पास्कल्स लीटर पर केल्विन पर मोल. दीज आर द वैल्यूज ऑफ आर सॉल्यूशन कॉन्स्टेंट यूज्ड हियर इन द न्यूमेरिकल्स. ओके आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं इसी से. हियर सी इज द कंसेंट्रेशन. सी क्या है, सी इज कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. दिस इज नथिंग बट मोलर कंसेंट्रेशन. कौन सी कंसेंट्रेशन है ये, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है. मोलर कंसेंट्रेशन मीन मोलैरिटी. मोलैरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मोल लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. मीन सी किसके इक्वल होगा, देयरफॉर अगर मोलर मोलैरिटी के इक्वल है मोलर कंसेंट्रेशन है, सी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. यही होगा तो दिस वैल्यू हियर व्हाट वी गेट. पाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एट सी की जगह पुट करके हमने एन टू बाई वी आर कॉन्स्टेंट एल्टीज है टी टेम्परेचर एल्टीज है आर इज टी. तो पाई इज इक्वल टू एन टू इंटू वी इंटू अपॉन वी इंटू आर टी, ये बन गया भाई. एन टू क्यों लिखा मैंने, क्योंकि टू हम सब्स्टिट्यूट में लिखते हैं फॉर सोल्यूट के लिए. सोल्यूट ही तो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन किस पर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करेगी. ज्यादा अमाउंट ऐड करोगे तो कंसेंट्रेशन मोर होगी, कम आएगी कंसेंट्रेशन लेस होगी. मीन एन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को इंडिकेट करता है इन द सोल्यूशन. अब हमें यहाँ पर प्रूव करना होता है, जैसे लिटिल और इनवर्टेड प्रेशर में मैंने आपको बताया था कि हमें प्रूव करना है कि दिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. हमें यहाँ भी वही प्रूव करना है, दिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. कैसे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स और वी कैन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. यहाँ पर देख लो डायरेक्टली एक्सप्रेशन से. वॉल्यूम सॉल्यूशन का कॉन्स्टेंट हम कर लेंगे, कुछ ना कुछ फिक्स वॉल्यूम करेंगे. आर सॉल्यूशन कॉन्स्टेंट है ही, टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट भी हम कॉन्स्टेंट रखेंगे यहाँ पर. तो व्हाट हैपन अगर ये सारे कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, इन दैट केस पाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर है
it becomes directly proportional to number of moles. Mean osmotic pressure depends upon number of moles of non-volatile solute, so it is a polygonal property. We have to see lifting M. We can write as osmotic pressure depends upon number of moles of non-volatile solute. इस पर डिपेंड करता है, so we can say it is a colligative property. So it is a colligative property. हम बोल सकते हैं कि colligative property है. पूछ लिया जाए कि why is a colligative property, इसे क्वेश्चन बना दे तो लिखेंगे as pi depends upon osmotic pressure depends upon नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन टेस्ट. अब एक और पॉइंट, ये पाई मैथमेटिकल वाला सिंबल नहीं है, मैथमेटिक्स में पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14, वो नहीं. यहाँ पर पाई ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल है, कभी मैथमेटिकल वैल्यू यूज कर दो वो मैथ्स वाली रॉन्ग हो जाए सब कुछ आपका. अब यहाँ से एक और हमें इसमें छोटा सा और पॉइंट डिस्कस करना था, कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास, molecular mass of non-volatile solutes by using this osmotic pressure. इस property का use करके, इस colligative property का use करके हमें molecular mass calculate करना है non-volatile solute का. कैसे हम calculate कर सकते हैं? यहीं से, इसी expression से जो हमने अभी यहाँ पर use किया था. This, as we know, पाई क्या था, पाई इज इक्वल टू एन टू बाई वी इंटू आर टी, यही था. यूज कर सकते हैं, ओपन क्या था यहां तक कुछ भी नहीं है. एन टू क्या हो सकता है, एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू एन इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई एम, मीन डब्ल्यू टू बाई एम टू, मीन गिवन मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. पुट दिस वैल्यू हियर, व्हाट यू गेट, देयरफॉर पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू टू बाई एम टू इंटू आर टी बाई पी, यह हो जाएगा भाई. यहाँ पर मीन वी कैन कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर बाय दिस, और अगर मोलर मास कैलकुलेट करना है हमें यहीं से तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देयर फोर एम टू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एम टू यहाँ पर आ गया, पाई यहाँ पर आ जाएगा, एम टू इज इक्वल टू क्या बन गया, डब्ल्यू टू आर टी ओवर पाई वी. दिस इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. बट फिर से मैं पहले आपको ये फिर से बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला लर्न करोगे तो आप शायद वजन हो जाओ, कहीं मिस्टेक कर दे कोई बच्चा, इजी रहेगा आपके लिए. तो आप फॉर्मूला कौन सा याद रखें, पाई वी इज इक्वल टू एन टू इंटू आर टी, और ये पाई इज इक्वल टू सी आर टी. आप ये फॉर्मूला याद रखो न्यूमेरिकल पर्पज के लिए, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, और सी क्या होता है, एन टू बाई वी इन टू आर टी. न्यूमेरिकल पर्पज के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखना, एन को ओपन कर देना बेटा, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, डब्ल्यू टू बाई एम टू, जो वैल्यूज गिवन हो पुट कर देना, जो वैल्यूज जो कैलकुलेट करना हो अपने आप ही आ जाएगा फिर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.